बिजनौर में बीती 30 अक्टूबर को हीमपुर थाना क्षेत्र के व्यक्ति से रात के वक्त तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल लूटने के मामले में बिजनौर की हल्द्वार पुलिस ने 6 लुटेरों को मुखबिर की सूचना पर लूटी गई बाइक व अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल लूट की घटना के बाद बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम गठन की थी, जिसके बाद उक्त टीम के प्रयास से मुखबिर की सूचना पर हल्द्वार थाना क्षेत्र के बल्दिया रोड स्थित रेलवे फाटक के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल के लेनदार व देनदार साथ ही नई घटना को अंजाम देने के लिए खड़े बदमाशों सहित कुल 6 बदमाशों को अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने लूटी हुई बाइक, एक तमंचा, 2 कारतूस, 1 छुरा और 2 चाकू बरामद किए। गिरफ्तार हुए सभी बदमाश शातिर किस्म के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी बदमाशों के खिलाफ संदिग्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। मेड़ा और हल्द्वार रोड पर एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी रात के समय, 8-9 बजे करीब लगा हुए। एक आदमी है पीतम, बिलाई मिल में नौकरी करता है। तो 4 बदमाश आए थे, इन्होंने वहाँ तमंचा दिखाकर मोटरसाइकिल छीन ली थी उसकी और मोबाइल वगैरह छीन के ले गए। कपिल, राहुल, ओमी, ये मुलजिम हैं तुम्हारे, अजीत, कपिल, राहुल, होमी, नसरुद्दीन और सलीम, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें एक नसरुद्दीन मिस्त्री है, इसको इन 4 बदमाशों ने 3,000 में मोटरसाइकिल बेच दी और इसने अपने ठीक करके उसको 11,000 में इसको बेच दी सलीम को। सब चांदपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको कल हल्दिया रोड से पकड़ा गया है। मोटरसाइकिल बरामद हो गई है, एक तमंचा, छुरा और चाकू वगैरह इनसे मिले। इससे पहले भी कोई घटना को अंजाम दिया? नहीं, इससे पहले इन्होंने कोई घटना नहीं।